हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विलेज कुकिंग में। कैसे हो आप सभी लोग? तो यहाँ पे आज देखें, हम बनाएंगे गाजर का हलवा। आज हम गाजर का हलवा एक नए तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 किलो गाजर ले ली है। 3 किलो गाजर को हमने कद्दूकस करने के बाद में कढ़ाई में पकने के लिए छोड़ दिया है। पहले हमने गाजर का जो पानी होता है उसको अच्छे से सुखा लिया है। उसके बाद में डाला है हमने यहाँ पे दूध, और यहाँ पे हमने 2 किलो दूध डाला है गाजर के हलवे बनाने में। दूध हमने कम इसलिए डाला है क्योंकि हम इसमें मावे का भी यूज करेंगे बाद में। अभी गाजर हमारी गल गई है और दूध भी हमारा पक पक के थोड़ा कम हो गया है, तो अभी हमने डाल दी है यहाँ पे चीनी। और चीनी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को कम मीठा खाना पसंद होता है और कुछ तो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी ज़्यादा चीनी डाली है। तो अभी यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, तो मावे को भी हम यहाँ पे डाल देंगे। और मावा डालने के बाद में अच्छे से कर देंगे इसको मिक्स। और गाजर का हलवा बनाना बहुत ही आसान है, और गाजर के हलवा बनाने में हमें यहाँ पे पूरे लगे हैं 40 से 45 मिनट। तो अभी देखें, फाइनली हमारा गाजर का हलवा भी बन गया है। और यहाँ पे अगर हमें ड्राई फ्रूट डालने हैं तो हम इसी स्टेज पे डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट भी। और वैसे गाजर का हलवा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे देखें, फाइनली हमारा गाजर का हलवा भी बन गया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसा बना है गाजर का हलवा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगली रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।